वहाँ पे ना जॉब का कोई ये है, ना सिक्योरिटी है. अभी आप बाहर से और लोग ला रहे हो, आप उनको रखोगे कहाँ? आप उनको जॉब कैसे दोगे, कहाँ दोगे, पैसे कैसे आएंगे? बिहार मिल के लिए मार्च खास तौर से जो जेएनयू का है वो 5 तारीख को जो हिंसा हुई उसको लेकर के तो है ही, मगर एक बड़ा मसला जो इस पूरे देश में है वो इस समय और मौजूद है वो CAA-NRC और NPR, नए 3 टर्म्स. खासतौर से CA को लेकर के जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री का भी जो बयान आया है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे. हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं JNU की छात्रा भी और असम की रहने वाली, नाम खुद ही बताएंगी आप. गायत्री बसुमतारी. मैं ये अपने दर्शकों के लिए खासतौर से समझना चाहता हूँ कि आपकी CAA-NRC को लेकर के क्या समझदारी है. मतलब आप अपने घर पे जब बातचीत करती होंगी, इस बीच जब वहाँ NRC और तमाम चीज़ें हुई तो वो कैसे आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले तक हमारे घर में भी बहुत मुश्किलें थी असम में. मैं खुद दुलियाजान की रहने वाली हूँ. कभी यहाँ भी हमारे JNU में जितना प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा था घर पे. पापा को कॉल करते हैं तो पापा बोलते हैं कि 12-2 बजे तक यहाँ गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम वहाँ देख नहीं सकते. तो वो एक डर है हमें कि पता नहीं कब क्या हो जाए. अभी बात यह है कि एक और बात है जो नॉर्थ ईस्टर्न्स और यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा है वो कंसर्न्स बहुत अलग है. यहाँ जो उस दिन जामिया में हुआ वो बहुत गलत था जो भी हो, लेकिन वहाँ एक कम्युनलिज्म का किस्सा है. लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में जो मुद्दा है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को ले लो, एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ का कंसर्न अलग है. वहाँ एक इट्स नॉट अबाउट कम्युनलिज्म, द थिंग इज़ वी डोंट वॉन्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, बी इट हिंदू, बी इट मुस्लिम, बी इट सिख, एनी वन फॉर दैट मैटर. क्योंकि पहले भी केस हुआ है असम में जहाँ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, मैं पर्सनली वहाँ, मेरी फैमिली टारगेट हुई है वहाँ. तो वो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का. वहाँ पे ना जॉब का कोई ये है, ना सिक्योरिटी है. अभी आप बाहर से और लोग ला रहे हो, आप उनको रखोगे कहाँ? आप उनको जॉब कैसे दोगे, कहाँ दोगे, पैसे कैसे आएंगे, वो खाएंगे क्या? मैं बिजनी की रहने वाली हूँ लोअर असम में. वहाँ अभी भी जो अच्छा लोअर असम और अपर असम के बीच का भी कोई अपना डिफरेंशिएशन? नॉट रियली, इट्स ऑलमोस्ट. अभी जो ये सिचुएशन है ये है कि पूरा असम एक ही मुद्दे के लिए लड़ रही है. एंड मतलब वहाँ जो पहले हुआ था, अभी भी मैं बोडो कम्युनिटी की हूँ, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो रास्ते में रह रहे हैं, टेंट्स है. आप कभी भी अगर वहाँ जाओ, रास्ते के दोनों तरफ आपको टेंट्स दिखेंगे. उनका ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाना है, ना शेल्टर है. अभी उनका आप लोगों ने कुछ ये नहीं किया है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, वो क्या खाना खाएंगे. आप ऊपर से और लोग ला रहे हो, सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो कि अभी सॉल्व करना पड़ेगा. एंड जो CAA-NRC अभी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल ओवर इंडिया. एंड नॉर्थ ईस्ट में भी ये हुआ है. मेरे फ्रेंड्स ने रात को मुझे 1-2 बजे पैनिक कॉल्स किया है कि यहाँ ये हो रहा है. मैस से निकाल के, हॉस्टल से निकाल के लोगों को यहाँ मतलब मारपिटाई हो रही है. अभी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया था, वो न्यूज़ बाहर आई नहीं है. सो इट इज़ वेरी स्केरी. उन लोगों के मेस में खाना बंद मतलब ख़त्म हो गया था. मैंने मम्मी को कॉल किया था तो मम्मी ने कहा था यहाँ भी हम घर पे बैठे हैं. मैंने भी कहा कि मम्मी आप लोग बाहर मत निकलो. वहाँ एक टाइम के बाद वहाँ चावल ये सब अभी तो हमारे घर पे थे सपोज़, बाकी घरों में जो हमारे नेबर्स हैं उनका चावल ये सब सब कुछ ख़त्म हो गया था. लेकिन ये किसी ने हिम्मत नहीं की कि बाहर जाए और खाना वाना ले. वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पर. तरफ से खासतौर से असम की हैं, उसमें बीजेपी है, बीजेपी सरकार है वहाँ. वो कई बार हाँ, कई बार ना, ना हाँ, मतलब हर तरीके की चीज़ें आई हैं. मतलब आपने भी सुना ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और आप असम की हैं तो उससे ज़्यादा कनेक्ट और रिलेट करती हूँ. अभी बात यह है कि जब ये टॉपिक निकला था CAA-NRC का, वी एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कि हमारे CM कुछ करे उसके लिए. एटलीस्ट वी एक्सपेक्टेड कि वो ना बोल दे या जो भी हो. 40 ईयर्स कांग्रेस का रूल था वहाँ, जो भी हो उसके बाद जो हिस्ट्री है वो अलग बात है. बट वी एक्सपेक्टेड दिस CM टू टेक अ स्टैंड फॉर इट, बट वी डिडंट गेट इट फ्रॉम हिम. जब वो यहाँ आए, दिल्ली आए, या वहाँ भी जो जब लोगों ने क्वेश्चंस पूछे उनसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा. आज तक वो चुप रहे, आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा. सो दैट इज़ द बिगेस्ट इशू. अभी रिसेंटली आई थिंक 2 जनवरी में मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बीइंग अ सन ऑफ असम, आई विल नेवर लेट इलीगल इमिग्रेंट्स टू कम एंड डिस्ट्रॉय द सैंक्टिटी और द कल्चर ऑफ असम.
तो उस टाइम पे हम एक उम्मीद थी कि ठीक है शायद वो मना कर दे, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे वो कैंपेनिंग में जा रहा था CAA-NRC के। तो भी वो कभी इस तरफ होता है तो कभी उस तरफ, वो खुद मुंह से कभी उन्होंने सीधी बात ये नहीं कही है कि हाँ मैं NRC को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये जो कल्चर वाली बात है, ये कल्चर क्या है, मतलब हमारे दर्शकों के लिए आप अगर संक्षिप्त में समझा सकें कि असम अपने कल्चर को लेकर के इतना रिजिड क्यों है? एक्चुअली रिजिड नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई थिंक ये पूरी इंडिया की बात है कि एक प्राइड है हमारा अपने कल्चर को लेके। अभी असम में आपको हर तरह के ट्राइब्स मिलेंगे, कल्चर बोडो, खासी, गारो, जयंतिया, या प्रॉपर असमीज कम्युनिटी, आहूम्स हो, हमारी ये बहुत बड़ा कल्चर है जो कि भिन्न भिन्न है, आपको यहाँ से वहाँ तक मिलेगा। बट बात यह है कि हमें ये एक डर है कि ये बात अगर पूरा हिंदू मुस्लिम का हो जाए, या फिर बाहर से ही बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो लोग आ जाते हैं, पहले भी आपको ये पता होगा कि ट्राइबल्स ने बहुत फेस किया है असम में, अपने प्लेस में ही अपने घर पे ही वो ऐसे बाहर घर नहीं है उनका, बाहर रुकते हैं। सो दैट इज़ द फियर कि और लोग आएंगे और जो हिस्ट्री में हुआ था वो फिर से रिपीट होगा, कल्चरल लॉस हो, इज द सेम थिंग कि वो रिलीजन कितना बड़ा मसला है। रिलीजन इज़ नॉट रियली अ मैटर नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम में रिलीजन इज़ नॉट रियली अ मैटर। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आके ये हिंदू मुस्लिम का किस्सा बन गया है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में वो बात कभी भी नहीं थी और है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता ये कभी होगा भी। इट इज़ एंटायरली अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज, एंड दैट वी डोंट वांट इलीगल इमिग्रेंट्स एट ऑल। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।